आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात क्या हैं, इसकी तस्वीरें अब खुल करके सामने आने लगी है। जहां अपने घर से दूर कश्मीरियों के दर्द को हमने जाना, वो किस दर्द से गुजर रहे हैं और जो कश्मीर में कश्मीरी मौजूद हैं उन लोगों के दर्द को जाना, वो किस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं, इस बारे में मैं तमाम खबरें आप लोगों के सामने रख चुका हूं। पर कश्मीर में जिस तरीके से वहां के नेताओं को नज़रबंद किया जा रहा है और कश्मीरी लोगों को रातों रात उनके घर में नज़रबंद कर दिया जा रहा है, इसके बारे में भी बात करना अब लाजमी हो चुका है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां धारा 144 लगा दी गई और कुछ जगहों से अब खबर आई कि धारा 144 हटा ली गई है। तो वहीं विपक्ष पूरी तरह से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पूरी तरह मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में भी जुट गया है। तो वहीं कुछ दिन पहले कश्मीर में गिरफ्तारियों को लेकर के तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने जंतर मंतर पर भारी प्रोटेस्ट किया और उसको लेकर के जो तस्वीरें सामने आई वो भी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बताना नहीं चाह रहा, वो सिर्फ दिखाना चाहेगा। तो देखिए कि मोदी सरकार से इतनी आपत्ति है इन लोगों को कि ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। कुछ इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया नजर आए, पर विपक्ष ने पूरी तरह से कमर कस ली है और 144 हटाने के बाद राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि वो आज कश्मीर जाएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई विपक्षी नेताओं को साथ लेकर शनिवार को श्रीनगर का दौरा करने की तैयारी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं से दौरा टालने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सभी नेताओं से श्रीनगर न आने का आग्रह किया है। प्रशासन ने कहा है कि विपक्षी नेताओं के दौरे से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह है कि वो प्रशासन का सहयोग करें और श्रीनगर न आए, क्योंकि इससे अन्य लोगों को परेशानी होगी। इसके अलावा अभी भी कई हिस्सों में पाबंदियां लागू हैं और वो उनका उल्लंघन करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शनिवार को कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ये नेता कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रमुख प्रावधानों को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। शनिवार को राहुल गांधी के साथ जाने वाले विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल में गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, डी राजा सीपीआई नेता, सीताराम येचुरी सीपीएम नेता, मनोज झा आरजेडी नेता, दिनेश द्विवेदी तृणमूल कांग्रेस के नेता, तिरुचि शिवा डीएमके नेता, माजिद मेमन एनसीपी नेता शामिल रहेंगे। 5 अगस्त को राज्य से आर्टिकल 370 के सभी प्रावधानों को खत्म करने के फैसले के बाद से ही राज्य में कई तरह की बंदिशें लगा दी गई थी।
उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत ज्यादातर स्थानीय नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। हाल ही में हालात सामान्य करने के लिए फोन इंटरनेट सेवाओं को आंशिक तौर पर बहाल कर दिया गया था। इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के सरकार के फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 6 अगस्त को ट्वीट कर सरकार के इस फैसले को एकतरफा बताते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर राज्य के नेताओं को बंदी बनाकर देश को एकजुट नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के बयानों के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वो राहुल गांधी के लिए प्लेन भेजेंगे ताकि वो यहां आकर खुद हालात का जायजा ले सके। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि वो विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर जाएगा। राहुल ने कहा था कि उन्हें स्थानीय लोगों से मिलने और बात करने की आजादी मिले। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों को बांटने का कदम उठाया। इसके मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के कई इलाकों में एहतियातन भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया अथवा नजरबंद कर दिया गया। 144 हटने के बाद राहुल गांधी ने ये ऐलान किया कि वो कश्मीरी लोगों से बात करने के लिए, उनके दर्द को जानने के लिए कश्मीर जाएंगे और वो अकेले नहीं, नेताओं को साथ लेकर के जाएंगे। जो विपक्षी नेता उनके साथ जाएंगे उनमें मनोज झा और तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं जो कश्मीर का दौरा आज कर सकते हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया तो मोदी सरकार पूरी तरीके से हड़कंप मच गया कि राहुल गांधी को वहां जाने से रोका जाए और उनको वहां ना जाने दिया जाए। इसी को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अब तेज हो चुकी हैं कि आज जो विपक्ष ने ऐलान किया है उसे पूरी तरह से विफल करने के लिए मोदी सरकार उतारू हो चुकी है। आखिरकार मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को कश्मीर जाने से क्यों रोक रही है और क्यों उनके दर्द को जानने नहीं दे रही है जो वो दर्द महसूस कर रहे हैं? आखिरकार किस बात से मोदी सरकार घबरा रही है? इसका जवाब हर कोई मांग रहा है और हर कोई इसके ऊपर बात करना चाह रहा है, पर मोदी सरकार पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करे बैठी है और कुछ बोलना नहीं चाहती। पर भले ही वो बोले या ना बोले, हम हर मुद्दे पर उनसे सवाल करते रहेंगे और ये सवाल यहाँ लाजमी बनता है कि विपक्ष के नेताओं को कश्मीर के हालात का जायजा आखिरकार क्यों नहीं लेने दिया जा रहा। तो मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आजाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं। इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज पर। मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सच है क्या? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोर बेल को दबाएं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं,
ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आजाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज पर।